हेलो व्हाट्सअप गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू होस्ट योर रिएक्ट एप्लीकेशन फॉर फ्री इन नेटलीफाई जी हाँ गाइस तो हमारा ये जो रिएक्ट एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है इतना ज़्यादा औसम हमने रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन 19 रिएक्ट राउटर का लेटेस्ट वर्जन 6.4 की मदद से इसको क्रिएट की जिसमें वी हैव दिस मूवीज एंड इसको अगर हम फर्दर क्लिक करते हैं तो उसके जो इंडिविजुअल डेटा uh, है वो हमें मिलता है इसको पाने के लिए गाइस हमने पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूज़ की जो आई गेस अभी तक आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट चेकआउट कर लीजिएगा आप मास्टर बन जाए

सो so गाइस हम जो हमारे वेबसाइट है उसको नेटलीफाई में होस्ट करने वाले हैं एंड अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन हो दो चाहे वो आप मेरा यूज़ करो या चाहे अब आप अपना वेबसाइट होस्ट करने के लिए वीडियो देख रहे हो दी नंबर वन स्टेप इज टू गाइस बिल्ड योर वेबसाइट ठीक है सबसे पहला स्टेप क्या अपने वेबसाइट को बिल्ड करना कैसे करना है वो मैं बताता हूँ लेकिन उससे पहले छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा एंड देट इज गाइज हमारे जो रिएक्ट एप्लीकेशन में मैंने जब भी वेबसाइट क्रिएट की एंड जब हम इस मूवी को गेट कर रहे थे मुझे होस्टिंगर में पेड होस्ट करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आया कल के वीडियो में एंड यहाँ पर भी मैं बहुत ईजिली इसको चला पा रहा हूँ लेकिन जब मैं नेटलीफाई में होस्ट करने गया आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे एरर आया था ठीक है मैं आपको बताता हूँ अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ अगर मैं मूवीज़ पे चलता हूँ तो द पेज यू आर लुकिंग डज नॉट एग्जिस्ट ये बता रहा है ठीक है उसके पीछे का रीज़न ये है एंड देट इज अगर कहीं होगा तो यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम दिख रहा है देखो क्या है वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ए है वो सिक्योर्ड होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट रूल है नेटलीफाई में अगर आप कोई भी ए यूज कर रहे हो देन वो ना देखो एच टी टी पी मीन्स इट्स नॉट सेक्योर्ड तो यहाँ पे एक एस जो लगता है वो लगना जरूरी है सो so, बस मैं इतना कहना चाहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डैट्स वाई मैंने अपने जहां जहां मैं इस ए को यूज़ कर रहा हूँ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो एस है वो एड कर दी है तो बस ये एक आपको अपडेट करना था और कुछ नहीं ठीक है बाकी आपका ए की भी है यहाँ पे डॉट ई फाइल तो उसका भी आपको ध्यान में रखना लेकिन नाउ वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड योर रिएक्ट एप्लीकेशन तो कंट्रोल एंड देन ये मिस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ तो श्योर कर रहा हूँ कि मैं आ, देखा मुझे सबसे पहले अपना जो मेन प्रोजेक्ट uh, है जो हमारा मेन फोल्डर है जिसका हम हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं वहां पे आपको आना है एंड जो हम काम कर रहे थे वो डेवलपमेंट था अब हम इसको प्रोडक्शन रेडी करना है ताकि होस्ट कर सके तो उसके लिए आपको एनपीएम रन एंड देन बिल्ड लिख के एंटर हिट करना है सिंपल ठीक है ऑल राइट right, तो आप देख सकते हो दिस इज इट मेरा ये बिल्ड हो गया अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूं तो द मोमेंट देखो पहले अगर आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप या जो भी यूज़ किया होगा तो तब आपका एक बिल्ड फोल्डर बनता था बट नाउ आफ्टर यूजिंग विट इंस्टेड ऑफ गेटिंग बिल्ड फोल्डर वी आर गेटिंग डिस्ट फोल्डर आप देख सकते हो ये आपका डिस्ट फोल्डर है उसके अंदर वी हैव दिस एसेट्स वी हैव दिस डॉट एम एल फाइल एंड ये मेरे इमेज है बस तो आप इतना ध्यान रख लो चाहे आप कोई भी फ्रेम हो कोई भी लाइब्रेरी के थ्रू वेबसाइट बनाओ बट जब आप उसको लाइव वोश करोगे तो वो जाना आपकी इंडेक्स आई I मीन mean, एसटमएल फॉर्मेट में ही है सी फॉर्मेट में ही है क्योंकि ब्राउजर को रिएक्टिव सब ऑल नहीं समझता है ठीक है तो ये जो डिस्ट फोल्डर है अब इसी फोल्डर को उठा के चाहे आपका पेड सर्वर हो चाहे आपका फ्री सर्वर हो चाहे आपका गिट हो जो भी हो आप बस ये जो डिस्ट फोल्डर है उसको आपको हर जगह पे शेयर कर देना है चलो ठीक है मेरा ये काम हो गया है एक इम्पॉर्टेंट नोटिस टिप आपको बताता हूँ आप में से बहुतों को शायद नहीं आइडिया कि ये आप किस फोल्डर पर काम कर रहे हो ठीक है तो अगर आपको वो फोल्डर का नाम पता लगाना देन यू नीड टू राइट एक्सप्लोर एंड देन डॉट एंड देन एंटर हिट कर देना सो द मोमेंट यू डिड दिस आप देख सकते हो कि आपको आपका पूरा रूट मिल गया अब कितना ईजी हो गया अच्छा मैं एप ड्राइव के अंदर कोडिंग कोडिंग के अंदर ये पर्टिकुलर फोल्डर उसके अंदर अच्छा इसके अंदर हमारा डिस्ट है तो ये जो डिस्ट फोल्डर है इसको आप मुझे नीड है ठीक है तो ऑलरेडी मेरा पार्ट खत्म यहाँ पे मेरा पार्ट खत्म अब मैं आऊँगा मेरे नेटलीफाई पे ठीक है सो दिस इज वॉट यूर नेटलीफाई होम पेज लुक्स लाइक अगर नहीं दिखाई दे रहा है इट्स फाइन क्योंकि आपने वेबसाइट का भी होस्ट ना किया हो बट मैं बहुत ज्यादा कर चुका हूँ होस्ट यहाँ पे तो uh, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से एक सिंपल ऑप्शंस तो ये है see, वी हैव दिस एड न्यूज साइट इफ यू कैन सी वी हैव दिस एड न्यूज साइट एंड इसमें टोटल वी हैव थ्री ऑप्शन आउट ऑफ विच डेप्लॉय मैनुअली एक बच्चों वाला ऑप्शन है जिसमें जस्ट आपको क्लिक करना है जो वो डिस्ट फोल्डर था खुद से वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके चिपका देना है सो आई एम गोना क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर डेप्लॉय मैनुअली बटन एंड दिस इज इट सो ये जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है आप कुछ नहीं करना है जस्ट क्लिक ऑन इट ठीक है सेंटर में ये देखो ये अब मैं ऑलरेडी उसी फोल्डर पे हूँ ठीक है क्योंकि मैं इससे पहले भी होस्ट कर ही चुका हूँ यहाँ पे तो ये जो आप मेक श्योर sure, हाँ गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतने सारे फोल्डर में ये जो पर्टिकुलर डिस्ट फोल्डर आपको दिख रही है ये वाली ये जो डिस्ट फोल्डर दिखाई दे रहा है इसको गाइस आपको बस सेलेक्ट करना है ठीक है तो इसको मैंने सेलेक्ट की अभी यहाँ पे आई नो आप लोग को बटन दिख नहीं रहा बट मैं आप लोग को दिखा दूँ कुछ एट दी एंड में इस तरीके के दो बटन हमें मिलते जिसमें से ये जो अपलोड वाला बटन है इस पर आपको क्लिक करना है तो इस पर मैंने क्लिक कर दी फिलहाल वो मेरे पीछे मेरे इमेज के पीछे है तो इस तरीके का ऑप्शन आपको आता है अपलोड सिक्स फाइल ठीक है मैं अपलोड पर क्लिक कर दूंगा तो मैंने कर दी अपलोड पे क्लिक तो गाइज आई गेस मैं अगर काउंट करता हूँ फाइव फोर थ्री टू एंड ओ माई गॉड सी ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है कोई वीडियो में कहीं कट पट कुछ भी नहीं है ये जस्ट हो गया है एंड आई गेस प्रिव्यू या वी हैव दिस प्रिव्यू का बटन हेयर वी हैव दिस प्रिव्यू वाला बटन तो सिंपल इस पर क्लिक कीजिए तो अब आप देख सकते हो कि आपका ये जो वेबसाइट है बुम गाइस सी लाइव हो गया कैसा लगा अब भी इस बात पे एक लाइक तो बनता है गाइस लाइक like तो बनता है क्योंकि मैं भी शायद आपको ना पता हो बट आपको पता चल गया बट एक प्रॉब्लम होगा ठीक है देखो अबाउट पेज तो मैंने बनाया भी नहीं था कॉन्टैक्ट सब सही है मूवीज ओ माय गॉड ओ माय गॉड गाइस आई कांट बिलीव कि मुझे मेरा डेटा मिल रहा है यहाँ पे बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इट मे पॉसिबल क्योंकि सेम वेबसाइट को मैं तीन चार बार ऑलरेडी होस्ट कर चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके में फाइंड आउट कर रहा था एक चीज ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ना यहाँ पे ई फाइल यूज कर रहे हैं आप देख सकते हो मेरा जो ए का की है उसको मैंने सिक्योर रखा है यूजिंग ए फाइल ठीक है तो फर्स्ट टाइम अगर आप करोगे तो ये आपका ना पेज नॉट लो ये ही आपको एरर आने वाला कुछ इस तरीके से मे भी आ सकता है बट इतना आप मेक श्योर sure करना गाइस अगर आपका पेज लोड नहीं हो रहा है देन आपको क्या करना है वापस वहीं पे ही रहिए जस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव सम मेन्यूज आउट ऑफ विच ये जो साइट कन्फ्यूग्रेशन वाला आपको दिखाई दे रहा है जस्ट क्लिक ऑन इट इस पर आप क्लिक कीजिए द मोमेंट आप क्लिक करते हो देन अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो भैया वी हैव दिस इन्वॉमेंट वेरिएबल्स यही तो है ना आपके ई एन वील वेरिएबल्स तो इस पर आप क्लिक कीजिए तो द मोमेंट इस पर क्लिक करते हो ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव दिस एड वेरिएबल बटन एंड द मोमेंट आप इस पर क्लिक करते हो देन अगेन वी आर गेटिंग टू ऑप्शंस आउट ऑफ विच या तो पूरा फाइल इम्पोर्ट करा दो या तो सिंगल वेरिएबल खुद से लिख दो तो हम अपना तो सिंगल है ठीक है तो यहाँ पे आपको उसका नाम एंड ओ वही यूनिट टू टाइप द वैल्यू तो मैं यहाँ पर चलता हूँ मेरा ए एन वी फाइल आप देख सकती है मेरी उसकी नाम है एंड ओ वही आई विल कॉपी एंड मैं यहाँ पेश करके मैं क्रिएट वेरिएबल कर देता हूँ दिस इज इट गाइस बस इतना ये बहुत ज़रूरी है एंड बहुत लोग यहाँ पर आके अटकेंगे अगर उन्होंने वी एन वी वेरिएबल्स क्रिएट किया होगा तो किस तरीके से आप जब फ्री में होस्ट करें तो उसको आपको कैसे ऐड करना है इनकेस अगर बिना ये ऐड कर चल जाता तब तो, तो सोने पे सुहागा फिर क्या ही टेंशन है अगर इन केस नहीं चला तो आप इस तरीके से अपना जो इन्वॉर्मेंट वेरिएबल्स है आप उसको लाइक ऐड कर सकते हो बस खत्म हो गया आपका काम ठीक है तो आ, एक सेकेंड या आई गेस यही है क्या मूवीज ऑल राइट देखो लोडिंग भी परफेक्ट हो रहा है एंड आपको मालूम है इसको क्रिएट करने के लिए एकदम पूरा रिएक्ट राउटर का वर्जन जो 6.4 का लोडर फॉर्म एक्शन वह सब आपने यूज किए मतलब मजा आ जाएगा यहां पे आपको पूरा डायनामिक राउट सब कुछ है देखो ना ठीक है Yeah, guys, I think या गाइस आई थिंक हो गया अपना काम या दिस इज इट है ना सो गाइस सोर्स कोड जो इसका मैं बिल्कुल फ्री में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा ये तो फ्री में था ऑब्वियसली आपके माइंड में आ रहा होगा अगर इसका नाम मैं चेंज कर पाता क्योंकि बहुत घटिया नाम है ये जो भी रेड यूनिकॉर्न ये वो सब सो so, गाइस आप क्या कर सकते हो अगेन साइड कन्फिग्रेशन पे आपको आना है ओवर हियर वी हैव दिस ऑप्शन से चेंज दिस साइट नेम सो वी कैन क्लिक ऑन इट एंड देन यहाँ पे आप अपना नाम लिख दो ना रिएक्ट राउटो uh, रिएक्ट राउटर लेट मीन चेक इट आउट ओ माइकोटी नाम ऑलरेडी प्रेजेंट रिएक्ट राउटर तो सिक्सटी फोर ही कर देता हूँ मैं एक काम करता हूँ ना लेट थापा कर देता रिएक्ट राउटर थापा ये तो कभी किसी ने लिया नहीं होगा खत्म मेरा ना काम हो गया सो so, अब आप देखो ये देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है रिएक्ट राउटर थापा डॉट नेटलीफाई डॉट कॉम आई मीन डॉट ऐप तो यही एक लाइक डिसएडवांटेज है कि आपका अपना खुद का डोमेन नहीं है बट अगर आप अपना खुद के थ्रू करते अपना खुद का सर्वर तो गैस वो सब कुछ हो जाता है ठीक है तो गैस ये जो कल का वीडियो है इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा इसमें मैंने स्पेशल कूपन आपके लिए ऐड किया टेन परसेंट डिस्काउंट होस्टिंग घर का जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड आज का वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपने होस्ट कर लिया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देगा कर देना मुझे जिसका अच्छा लगा मैं थम्स अप या रिकमेंड जरूर करूंगा सो तो गाइस ये प्लेलिस्ट लिस्ट को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा रिएक्ट एक फाइनल मेगा प्रोजेक्ट आना बाकी है तो मैं नहीं चाहता कि आप वो ऑसम वीडियोज को मिस कीजिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दोस्तों को भर भर के शेयर एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट टाइम टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर